हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 3 आउटफिट जो आप लोग वैलेंटाइन डे के दिन कैरी कर सकते हो, और उसके साथ कुछ टिप्स वगैरह भी जो आप लोग के बोरिंग कपड़े को भी बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देने वाला है, और उसके साथ 3 हेयर स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ जो आप लोग उसके साथ कैरी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लुक के लिए यहाँ पे मैंने कैरी किया है व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप और उसके ऊपर रेड कलर का स्वेटर जिसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल से मोती लगे हुए हैं, और मैंने कैरी किया है मॉम फिट जीन्स। इस आउटफिट के साथ मैंने बहुत ही इजी और बहुत ही क्यूट लुक किया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले जाके पहले आगे वाला सेक्शन लेके बाल मैं उसको बांध लूंगी अच्छे से। देन बांधने के बाद जो मैंने बाल लिया है उसको मैं अंदर की साइड से पीछे से मैं ऊपर की साइड में ऐसे ट्विस्ट कर लूंगी। देन मैं एक रबड़ बैंड लेके उससे मैं बांध लूंगी, इससे बहुत ही क्यूट लुक आता है। इस लुक को मैंने कंप्लीट किया व्हाइट स्नीकर और मेरा डबल लेयर चेन और मेरा स्लिंग बैग, और इसके ऊपर मैंने ग्लासेस भी डाल लिया है। तो लग रहा है ना बहुत ही क्यूट और बहुत ही एलिगेंट लुक। सो ये लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो सेकेंड लुक के लिए यहाँ पे मैंने लिया ब्लैक कलर का इनर जो थोड़ा स्ट्रेचेबल होना चाहिए, और इसको मैं क्रिएट करूँगी एज ए स्कर्ट में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको नॉर्मली पहन लिया है, जो हाथ वाला सेक्शन है उसको मैं दूसरे साइड पे ऐसे वेयर कर लूँगी, और जो दूसरा वाला है वो फिर इस साइड पे वेयर कर लेंगे। इससे क्या होता है कि एक क्रिस क्रॉस वाला एक लुक आ जाता है जो अभी बहुत ही फैशन में है। और जो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया है इसको हम लोग पिनअप कर लेंगे सेफ्टी पिन से। सो स्कर्ट का लुक आता है कुछ इस टाइप से, और इसके ऊपर मैंने कैरी किया है व्हाइट कलर का शॉर्ट जो फुल स्लीव है, और उसके ऊपर मैं कैरी कर रही हूँ व्हाइट कलर का हाफ स्वेटर। इस स्वेटर को सिर्फ मैं आगे से ही अंदर की साइड पे टक कर लूंगी। तो इस आउटफिट के साथ मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक हेयर स्टाइल क्रिएट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने जो आगे वाला हेयर है उसको मैं पीछे करके, और जो अंदर वाला हेयर है उसको मैं लेके इसको मैं नॉर्मली जो चोटी होता है उस टाइप से मैं चोटी बना लूंगी। सो दोनों साइड पे मैंने सेम बना लिया, और जो ये वाला हेयर है मैं इसको ले जाके दूसरे साइड पे टक कर लूंगी क्लेचर से। और जो ये वाला हेयर इसको फिर मैं ले जाके दूसरी साइड पे टक कर लूँगी। इससे क्या होता है कि एक हेयर बैंड वाला लुक आता है। और जो ये आगे वाला बाल जो रह गया है इसको मैं पीछे वाले बाल थोड़ा सा सेक्शन लेके उसको मैं बांध लूँगी। फिर यहाँ पे मैं ऐसे करके इसको ट्विस्ट कर लूँगी। इससे क्या होता है कि जो क्लेचर है हमारा वो भी कवर हो जाता है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है इस साइड से भी। सो मैंने इस आउटफिट को कंप्लीट किया है व्हाइट कलर का नेकलेस के साथ, और उसके ऊपर मैंने लिया है सनग्लासेस और व्हाइट हील और हैंडबैग। सो थर्ड और लास्ट लुक के लिए यहाँ पे मैंने कैरी किया एक लॉन्ग गाउन। इसके लिए मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ, तो चले देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा हेयर का सेक्शन, और इसको मैं उल्टी साइड से ब्रेड बनाऊंगी। सो हम लोग को थोड़ा थोड़ा साइड साइड से बाल लेते हुए उसके बाद हम लोग को चोटी बनाते जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग देख सकते हो। फिर दूसरे साइड भी सेम बना लेंगे उसी टाइप से।
तो मैंने दोनों साइड पे सेम बना लिया और इसको मैं ले जाऊंगी पीछे की साइड पे, और जो मैंने रबड़ बैंड लगाया तो उसको मैं रिमूव कर दूंगी और यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक लाइट सा बन। सो इस लुक को मैंने कंप्लीट किया मोती के नेकलेस के साथ और वाइट कलर का हील और स्लिंग बैग। सो इसके साथ होता ये लुक रेडी। तो आज का वैलेंटाइन डे लुक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप कौन सा कैरी करने वाले हो वो भी जरूर बताइएगा। और मैं इसी टाइप से और भी हेल्पफुल वीडियो लाती रहूंगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में रहे बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।